नमस्कार, गुड इवनिंग, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं मनविंदर और मेरा चैनल आप ट्यून कर चुके हैं, शुक्रिया। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर आ रही है, बड़ी चिंताजनक खबर है। आज सुबह सफेदाबाद रेलवे स्टेशन के पास 5 टाइमर बम मिले हैं, जबकि इससे पहले ही गोरखपुर में मुर्तजा ने मंदिर के बाहर सुरक्षा कर्मियों पर हमला किया था। ये दो ऐसे वाक्य हैं जो ये बता रहे हैं कि कुछ ऐसे नापाक इरादे से सने हुए लोग सिर उठा रहे हैं प्रदेश में, जो प्रदेश की फिजा को खराब करने में जुटे हुए हैं। ये जो बम मिले हैं, इनमें डिजिटल वॉच लगी हुई थी और सबसे खास बात यह है कि राजधानी लखनऊ से महज 20 किलोमीटर दूर ये बम मिलने से जो है इस समय स्थिति इतनी हड़कंप से भरी हुई है। लोग वहां के डरे हुए हैं, पूरा प्रशासन वहां जुटा हुआ है। लखनऊ से बम स्क्वाड टीम और एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS मौके पे पहुंच चुकी है। जहां बम मिले हैं उस जगह की घेराबंदी कर दी गई है, उसे सील कर दिया गया है। आसपास के लोगों को वहां से हटा दिया गया है, किसी भी व्यक्ति को वहां जाने नहीं दिया जा रहा है। रेलवे स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन्स को भी पीछे ही रोक दिया गया है और बम को डिफ्यूज कर दिया गया है। बम की सैंपलिंग भी हो रही है, सैंपलिंग के लिए उन्हें जांच के लिए भेजा जा रहा है। SPCT समेत कई सीनियर ऑफिसर इस समय मौके पे हैं। ये लोगों को, सफेदाबाद में रहने वाले लोगों को शनिवार को रेलवे स्टेशन के पास पीछे की तरफ ये बम नजर आए थे। इन बम्स का जो साइज है वो ईंट से कुछ थोड़ा सा छोटा है, समझ लीजिए कि मोबाइल से थोड़ा सा बड़ा, और इन पे नजर पड़ती है वहां से गुजर रहे ग्रामीणों की। वो कुछ समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में जब ध्यान से देखा तो अंदर से कुछ टिक टिक जैसी आवाज आ रही थी। इसके बाद ग्रामीणों ने तुरंत पुलिस को इसकी सूचना दी और जब पुलिस मौके पे पहुंचती है तो उन्होंने देखा कि बम पड़े हुए हैं। कुछ बम जमीन के अंदर भी धसे हुए थे, ऐसा लग रहा था कि किसी ने इनको छिपाने की कोशिश की है। और बाद में डर के मारे वो इनको छोड़ के वहीं पे भाग गया। ये बम जो है डिजिटल वॉच की तरह देखने में लग रहे हैं, इसमें डिजिटल वॉच लगी हुई है। लखनऊ से पहुंचे बम स्क्वाड की टीम बम को डिफ्यूज कर रही है। अभी तक पूरे मामले में जो भी सीनियर ऑफिसर इसमें जुटे हुए हैं कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं है। जहां बम मिले हैं वो लखनऊ यानी कि देश की राजधानी से महज 20 किलोमीटर की दूरी है। इससे पहले गोरखनाथ मंदिर पे भी हमला हुआ और अब ये टाइमर बम मिले हैं। काफी हड़कंप मचा हुआ है। इनफैक्ट जो लखनऊ में बैठे हुए लोग हैं उनमें भी इसको लेकर के काफी गंभीरता देखी जा रही है। सवाल यह है कि क्या ये बॉम्ब जो है लखनऊ को दहलाने के लिए इनका इस्तेमाल होने वाला था, या फिर इनके इस्तेमाल के लिए कोई और साजिश रची हुई थी। अभी तक कुछ भी इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। सारी जो टीमें हैं वहाँ मौके पे मौजूद हैं और वो सारे एंगल से इसको देख रही हैं। अभी पुलिस ने मुर्तजा वाले केस को भी पूरी तरह से अभी नहीं उस पर कोई नतीजे पे पहुंच पाए हैं। इसी बीच ये मामला मिल गया है। काफ़ी सनसनी फैली हुई है और इसकी जो बॉम्ब की जो गूंज है वो दिल्ली तक पहुंच चुकी है कि आखिर इन सब के पीछे किसका हाथ है। दोस्तों, फिलहाल इतना ही। आपसे मैं फिर मिलती हूँ किसी और खबर के साथ, किसी और किस्से के साथ, किसी और कहानी के साथ। तब तक आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।